हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेके आया हूँ टेकोटो का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं RC 200 में जो भी चेंजेस होकर के आए हैं पहले RC 200 से, वो सारे टोटल चेंजेस एंड इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग, इसमें कौन कौन से कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसका क्या बुकिंग पीरियड है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दें हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए। एंड आप अगर मेरठ के आसपास रहते हैं तो और भी KTM परचेज़ करना चाहते हैं, बजाज परचेज़ करना चाहते हैं, तो विजेता बजाज की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप अपनी बाइक बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप बाइक इजीली परचेज़ कर सकते हैं। फ्रंट सेक्शन पर ही अगर हम देखें तो फ्रंट सेक्शन ही हमारे यहाँ पर टोटली चेंज होकर के आ गया है। अब ये टोटल नया फ्रंट सेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि पूरा LED सेटअप्स के साथ आ रहा है। इंडिकेटर अगर मैं दिखाऊं तो इंडिकेटर यहाँ पर हमको साइड में ऊपर की साइड दे दिया गया है एंड ये LED में है। नीचे हमको यहाँ पर DRLs दी गई हैं, ये भी LED में है। एंड जो हमारी हेडलैम्प है, हेडलैम्प भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दो सेक्शन में डिवाइडेड है हमारा हेडलैम्प बेसिकली, एंड ये भी LED में ही आता है। इसका जो थ्रो है काफ़ी सही थ्रो है रहने वाला है। रात में मैंने इसको शोरूम के अंदर थ्रो देखा था, काफ़ी अच्छा थ्रो था, तो इसमें थ्रो में तो कोई इशू आपको आने नहीं वाला है। एंड ऊपर की साइड हमको यहाँ पर विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाती है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, लगता ही नहीं है कि विंडशील्ड ना अलग से लगा रखे, पूरा ऐसा लगता है जैसे ना एक ही फ्रेम है उसी में ही विंडशील्ड भी है, तो लगता ही नहीं आपको कि अलग से है। जो और चेंजेस हैं इसमें, मैं और चेंजेस भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे मिरर्स हैं, ये फोल्डेबल मिरर्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे, अब ये फोल्डेबल मिरर्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो हमारे सस्पेंशन है वो अपसाइड डाउन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। चेंज यहाँ पर है बेसिकली डिस्क का, डिस्क साइज़ जो यहाँ पर फ्रंट का है वो बढ़ा दिया गया है, अब ये 320mm के साथ में आती है। तो ABS तो आता ही है बाइक में, बट जो डिस्क साइज़ है वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करा गया है, तो यहाँ पर अब जो डिस्क साइज़ है वो हमारा 320mm का देखने को मिलता है। रेयर की साइड भी हमारे कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो चलते हैं एक बार रेयर की साइड, आपको रेयर पर भी चेंजेस दिखा देते हैं। तो रेयर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेल लाइट सेटअप भी चेंज हो गया है पूरा। एंड जो टेल लाइट सेटअप है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी LED का ही आता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ब्रेक प्रेस करके कि LED में है, आपको पूरा रेड LEDs यहाँ पर देखने को मिल रही हैं सब जगह। LED बाइक में कर दिया है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि बल्ब वल्ब मिलने वाले हैं हमको इस बाइक में, तो यहाँ पर सब LED है। एंड एक इसका कलर स्कीम चेंज करी गई है बाइक की, आप देख सकते हैं पूरी कलर स्कीम नई कर दी गई है बाइक की, तो बेटर लग रही है पहले के मुकाबले बाइक। एंड जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गया पहले के मुकाबले। एक और चीज़ जो यहाँ पर चेंज होकर के आई है वो है हमारा ये पेट्रोल टैंक, आप देख सकते हैं पेट्रोल टैंक अब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है 13.7 लीटर्स का। एंड जो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है वो 31 KMPL का माइलेज क्लेम कर रही है। सीट्स भी हमारी यहाँ पर चेंज होकर आई है, पहले तो यार रेयर सीट देखने को ही नहीं मिलती थी, अब यहाँ पर प्रॉपर रेयर सीट हमको देखने को मिल रही है। एंड जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दी गई है, एंड ये लेदर फिनिश में है। सेम RC की यहाँ पर भी बैजिंग देखने को मिल जाती है, एंड ये कुशनिंग में है, एंड काफ़ी सही कम्फर्ट है यार। एक बार मैं बैठ के भी आपको दिखा दूँगा, अभी काफ़ी सही कम्फर्टेबल है, तो बहुत सही सीट हमको अब RC में पहले के मुकाबले देखने को मिल रही है। तो ये भी एक चेंज इसमें मेरे को देखने को मिला है। इंजन ऑल दो यहाँ पर कुछ चेंज के साथ नहीं आया है, इंजन में हमको वही देखने को मिलता है 200cc का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 25.4 PS की, एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.5 न्यूटन मीटर्स का। 6-speed गियर ट्रांसमिशन के साथ में बाइक आती है। जो एक और चेंज यहाँ पर हुआ है, हमारा रेडिएटर चेंज करा गया है। रेडिएटर में जो है हमको अब 40% साइज़ रेडिएटर का बढ़ गया है, एंड ये राउंड रेडिएटर दिया गया है जिससे कि बाइक ज़्यादा जल्दी कूल हो, तो कूलिंग के लिए ये चीज़ करी गई है जिससे कि बाइक थोड़ा सा जल्दी कूल हो जाए, तो ये बेटर चीज़ मेरे को लगी है। ऑल दो यहाँ पर लिक्विड कूल आती है, बट स्टिल जो एयर रेडिएटर है उसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा करके थोड़ा कूलिंग का और इशू कट करने की ट्राई करी गई है। टायर साइज़ दोनों ही फ्रंट एंड रेयर 17 इंचज़ के हैं। रेयर पर 150mm का टायर मिलता है, फ्रंट में 110mm का टायर मिलता है। एक और चेंज जो बाइक में होकर के आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले पूरा चेंज हो गया है, ये पहले ऐसा नहीं आता था, अब ये बिल्कुल नया डिस्प्ले हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसमें ऊपर की साइड हमको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, हमारा वॉच, हमारा RPM मीटर, हमारा स्पीडोमीटर एंड हमारा किल स्विच वगैरह के ऑप्शन भी यहीं पर रीड आउट करने को मिल जाते हैं। इधर की साइड हमको स्विच दिया गया जिससे हम इसे
सेट कर सकते हैं। एंड इधर भी हमको एक स्विच दिया गया है ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए। एंड साइड में हमको यहाँ पर हमारे सारे वार्निंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर हमको यहाँ पर आरपीएम वार्निंग लाइट भी देखने को मिलती है। अभी ये वाइट है, बट जब आप आरपीएम लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो रेड हो जाता है। जो मेरे को मिस आउट फीचर लगता है वो यहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल सकती थी इस प्राइस रेंज में, एंड आपको यूएसबी चार्जिंग स्लॉट भी इस बाइक में देखने को मिल सकता था, बट स्टिल यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें मिस आउट कर दी है कंपनी ने। स्विच गियर की अगर मैं फिट फिनिश की बात करूँ तो फिट फिनिश बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत सही फिट फिनिश देखने को मिल जाती है। अच्छा जी, हॉर्न भी सुना देते हैं आपको एक बार, तो काफ़ी सही हॉर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस, मैं एक बार आपको इस पर बैठ के दिखा देता हूँ कि बॉडी पॉस्चर हमारा कैसा आता है बाइक पे। तो आप देख सकते हैं कि हम ना वाइल्ड राइडिंग इट हम इसकी साइड लीन रहते हैं, तो हम थोड़ा सा बैंड होकर के ही बैठना पड़ेगा इसमें। इसकी पोजिशनिंग जो है थोड़ी डाउन टूवर्ड्स है, एंड जो हैंडल है हमारे यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल्स दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं ये वाइल्ड राइडिंग, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। सस्पेंशन मैंने आपको बताया था अपसाइड डाउन है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी फ्रंट से। यार बैठने के बाद एक चीज़ लगी है कि सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सच में है, पहले के मुकाबले सीट काफ़ी सही कर दी गई है। रेयर का मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, हाइट ऊँची है रेयर की, तो जो भी पीछे बैठेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। मे भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है रेयर सीट का। बाइक का आप स्टांस देख लीजिए कि बाइक ऐसे लगती है साइड से खड़े होने के बाद पूरी, एंड जो आप रियर सीट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में ऊंची है फ्रंट के मुकाबले, बहुत ऊंची सीट है। इसमें अभी भी आपको मिडिल स्टैंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी इसमें साइड स्टैंड ही देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आती है यहाँ पर कलर्स की बात, तो कलर यहाँ पर जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है मेटेलिक सिल्वर, एंड इसमें ऑरेंज एंड सिल्वर का फिनिश देखने को मिल रहा है। बट आपको एक और कलर इसमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि आता है डार्क, मीन्स ब्लैक एंड ऑरेंज कलर यहाँ पर उसमें देखने को मिलता है। तो दो कलर ऑप्शंस में बाइक आ रही है, एंड जो एक्स शोरूम प्राइस है बाइक का वो 209,000 है। मे बी ये भी जल्दी से बढ़ने वाला है क्योंकि ये ओल्ड प्राइस है, और थोड़े टाइम में इसको भी शायद कंपनी चेंज कर दे एज़ पर जैसे मेरे को अभी बताया गया है डीलरशिप पर, तो ये भी चेंज हो सकता है। एंड जो ऑन रोड प्राइस है मेरठ में वो 244,000 का प्राइस इसका रखा गया है। सो गाइज, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये बाइक कैसी लगी है, एंड अगर आप ये बाइक परचेज करना चाहते हैं तो किस वजह से परचेज करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।